हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबके नवरात्रि और दशहरा काफ़ी अच्छा गया होगा, आप लोगों ने ढेर सारा एंजॉय किया होगा, बिकॉज मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से कंजक पूजन किया और हमारी सोसाइटी में नवरात्रि में किस तरीके से हमने माता रानी का जागरण वगैरह हमने सेलिब्रेट किया, क्या क्या चीज़ें करी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो फिलहाल अभी मैंने फटाफट कर ली अपने घर की क्लीनिंग और शार वगैरह लेके मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। तो सोसाइटी में ही मेरी एक फ्रेंड है जिसके यहाँ मैं आई हूँ कंजक पूजन के लिए। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं और सारी चीज़ें जो भी बननी थी वो बन चुकी हैं, सिर्फ पूड़ियाँ हमें निकालना है। तो माता रानी के भोग के लिए और कंजकों के लिए हमने बनाया है हलवा और उसके साथ में है काले चने जो कि माता रानी का प्रसाद होता है। यही सारी चीज़ें माता रानी को भोग में लगाई जाती हैं। तो अभी जो काले चने हैं, जो हलवा है, वो मेरी फ्रेंड ने पहले ही बना लिया था, सिर्फ पूड़ियाँ बनानी थी। तो बस अभी हम दोनों मिलके फटाफट पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो अभी पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं और मैंने ये पानी में कुछ डाले हैं फ्लावर्स वगैरह थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। फ्लोटिंग कैंडल नहीं थी तो हमने उसको ऐसे फूलों से ही सजा दिया है। और अभी कंजकों को आने में थोड़ा सा टाइम है तो हमने सोचा कि क्यों ना तब तक प्रसाद वगैरह थाली में लगा लिया जाए, क्योंकि अष्टमी और नवमी को कंजकों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। वैसे हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सारे लोग हैं, बट मैक्सिमम लोग ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन कंजक पूजन वगैरह करते हैं। तो भी प्रसाद वगैरह निकाल के रख दिया है और माता रानी की चौकी भी लगा दी है। तो किस तरीके से माता रानी की चौकी लगाई है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। अभी दीपक हमने नहीं जलाया है, भोग का भी हमने सामान निकाल के रख दिया है, जब कंजके आ जाएंगी तो उस टाइम पे सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी कंजके आ चुकी हैं और अभी यहाँ पर सबके हम पैर वगैरह धो रहे हैं। तो अभी सबके पैर वगैरह धुल चुके हैं और कंजके बैठ गई हैं अपनी जगह पर। और इन सबको देखकर हमें अपने बचपन की याद आ गई कि बचपन में हम भी कैसे जाते थे खाने और कितना ज़्यादा कि बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, कि एक घर से खा के निकले फिर दूसरे घर जाना होता था और कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती थी। और आज तो ये बच्चे अपना बैग वगैरह भी लेके आए हैं क्योंकि हर एक टावर में इनको खाने जाना होता है, तो जो भी सामान मिलता जा रहा है वो अपने इसी बैग में ही रखते जा रहे हैं। और अभी आरती वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है तो सारे बच्चे यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं और आरती अभी हो चुकी है और अब यहाँ पर हम बांध रहे हैं सबको कलावा। और इन दोनों बच्चों को देखिए, ये बिल्कुल शांत बैठे थे, ये बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहे थे और इतनी शांति से बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। और प्रसाद देने के लिए हम लेकर आए थे बॉक्सेस, जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, क्योंकि अभी क्या होगा कि बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं तो उस टाइम पे जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ हो जाते हैं, कुछ भी उनको लंच वगैरह या उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देना है तो उसमें दे सकते हैं। तो देखिए, अभी जो माता रानी की पूजा है वो भी हो चुकी है और अभी हम प्रसाद बांटेंगे बच्चों में। तो ये हैं वो कलरफुल बॉक्सेस जिनके अंदर प्रसाद हमने रख दिया है, साथ में हमने इसमें रख दी है दक्षिणा और इसके साथ ही बच्चों का फेवरेट जो कि है चोको पाई, जो कि बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है क्योंकि पूड़ी और हलवा और ये चने तो हर घर में मिलते हैं, बट अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा उनको दे दे तो काफ़ी वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी हमने उसमें रख दिया है, सारे टिफ़िन लगा दिए हैं और अभी वन बाई वन जिसका जो भी फेवरेट कलर होगा वो टिफ़िन हम उन्हें दे देंगे। अच्छा सर, ये पिंक पहना भी उसने, इसीलिए कर लिया। थैंक यू। अच्छा, उसने ब्लू पहना हुआ है, उसने ब्लू पहना हुआ है। Bye-bye.
ब्लू दो है ना हमारे पास, हाँ दो ब्लू है। और कितने ब्लू? अंकल ये देखो। ब्लू को ब्लू चाहिए। मतलब आपके सेम ड्रेस के साथ मैचिंग है। ये तो आपकी मैचिंग। हाँ। तभी बोलते अच्छी काफी पहनी। ये देखो आपकी मैचिंग होगी ना। ये देखो। मेरा रेड है तो मुझे भी रेड मिला। ये रेड वाली को रेड दे दो। बेटा एक-एक बाइट ले लो सबको। एक-एक बाइट ले लो, बाइट लेनी है सबने, ठीक है? एक-एक बाइट लेके जाओ, हल्का सा टेस्ट कर लो। हल्का सा ना। तो लकली सारे बच्चों को उनकी ड्रेस की मैचिंग का टिफ़िन मिल चुका था। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और कंजके अगर आपके घर से खुश होकर जाएं तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। और ये है मेरी थाली और अभी मैं चखूंगी प्रसाद। और अभी टाइम हो गया है शाम का, थोड़ी देर में माता का जगराता जो जागरण है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी देखिए जो जागरण है वो भी स्टार्ट हो चुका है और माता रानी का जो स्टेज है वो काफ़ी अच्छा सजाया गया है और माता रानी देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। वो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जो जागरण है वो तो काफ़ी देर तक चलेगा, रात को 1 या 2 बजे तक का प्रोग्राम है। और इन द मीन वाइल मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को अपनी सोसाइटी दिखा दूं कि किस तरीके से डेकोरेट करी गई है। लाइटिंग्स इन्होंने काफ़ी अच्छी करी हैं और जो भी ग्रीन एरिया है वहाँ पर इस तरीके की जो छोटी छोटी फेरी लाइट होती है वो इन्होंने लगाई है। और इस टाइम पर जितने भी फेस्टिवल आते हैं तो बिल्कुल रौनक सी आ जाती है हमारे घरों में भी, हमारी सोसाइटी में भी। और इसके अलावा अगर आप बाहर भी आप निकलें तो भी आपको चारों तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिलती है। और ये देखिए कितनी सुंदर सोसाइटी लग रही है, स्पेशली दिवाली का टाइम जो होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है वो गजीबो और जिसमें इस तरीके से इन्होंने लाइटिंग करी है और ये देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ आरती और माता जी का आशीर्वाद। तो अभी पास से मैं चलती हूँ पंडाल के पास में और आपको दिखाती हूँ कि माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। तो रात के अभी बज रहे हैं 2 और जो जागरण है वो भी ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम लोग प्रसाद वगैरह लेके घर जा चुके हैं। अभी कुछ बच्चे कुछ लोग हैं यहाँ पर तो वो भी प्रसाद वगैरह लेके जा रहे हैं। तो ये था फिर मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखें और पेड़ पौधे जरूर से ज़रूर लगाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स एंड जय माता दी।